सोनू सूद, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? तुम्हारी दरिया दिली के क्या ही कहने, बेहद ही बड़ा दिल है तुम्हारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। दरअसल बीते कुछ दिनों में सोनू सूद ने ऐसे कई काम कर दिए हैं कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। हजारों प्रवासी मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने के बाद अब उन्होंने 177 लड़कियों को एयरलिफ्ट किया जो केरल के अर्नाकुलम में फंसी थी। ये लड़कियां एक लोकल फैक्ट्री में सिलाई और कढ़ाई का काम करती हैं। फैक्ट्री कोरोना वायरस के कारण बंद हो गई, ऐसे में ये सभी मुश्किल में थीं। सोनू सूद से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सोनू को भुवनेश्वर में रहने वाले एक करीबी दोस्त ने इस बारे में बताया था और उन्होंने लड़कियों को उनके घर पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने कोच्चि और भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर ऑपरेट करने के लिए सरकार से अनुमति लेकर प्रक्रिया शुरू की। कोची में मौजूद इन लड़कियों को एयरलिफ्ट करने के लिए बैंगलोर से एक विशेष विमान बुलाया गया है जिसे अब भुवनेश्वर ले जाया जाएगा ताकि वो अपने परिवारों से मिल सके। कहना गलत नहीं होगा कि सोनू सूद ने एक और बड़ा काम कर दिखाया है और इन 177 लड़कियों के लिए सोनू सूद एक फरिश्ते से कम नहीं है। लगता है सोनू आम आदमी के दर्द को अच्छे से समझते हैं, तभी तो वो उनकी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। वो लगातार मुंबई और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। बसों की व्यवस्था से टोल फ्री नंबर लॉन्च करने तक सोनू हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। जहां ऐसे टाइम में सरकारें सियासी रोटियां सेक रही हैं, वहीं सोनू सूद की जिंदा दिली के लिए उन्हें लोग अलग अलग तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। कोई उन्हें सेंट आर्ट बनाकर सलाम कर रहा है तो कोई अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रख रहा है। यहाँ तक कि नेता से लेकर अभिनेता भी उनकी तारीफों के पुल बांध चुके हैं।